वो कौन सी दो चीज़ें जिसके ऊपर पूरी GTA की सीरीज डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमारा पूरा बचपन का पूरा पॉइंट GTA खेलने का वो दो चीज़ों की वजह से होता था? नहीं, मैं स्ट्रिप क्लब्स और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बंदूकों की और पैसों की। तो जी हाँ, आज हम सुलझाने वाले हैं हमारे जो बिजनेस है उसका गन्स का इशू और जो पैसों का इशू जो आने वाला है आगे मेरी अमेजिंग बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्किल्स की वजह से, उसे भी हम सुलझाते बैठेंगे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम वेक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो कृपया एक फेक लड़की का नेम और एक AI जनरेटेड इमेज लेके जिसे ब्लर करके आप एक ओनली फैंस पेज खोले, और जब बहुत सारे लोग आपको पैसे देंगे तो उनको कहना अगर आपको मेरे एक्चुअल फोटोज चाहिए तो आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी और सब्सक्राइब टू वेक करना पड़ेगा, और फिर जब वो आपके प्रीमियम मेंबरशिप लेंगे तो एक और AI जनरेटेड फोटो उन्हें दे देना और कहना नया फोटो चाहिए तो वेक की नई वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी मेरे चैनल का नाम और आपके पैसे दोनों बढ़ेंगे, धन्यवाद। तो अब हम इस बिजनेस के इस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे हम हाइस्ट करने का हमारे पास अच्छा खासा पैसा तो है, बट हमारे पास गन्स की थोड़ी इशू आ रही है। तो हम वो गन्स की इशू सॉल्व करने जाते हैं और तब एक कॉल आता है उस बंदे का जिसने हमें असैसिनेशन मिशन देते हैं। उसने कहा कुछ ड्रग की डीलिंग चालू है, तो सब लोगों को मारो, तो हमें करके सबको मारते हैं, वो ड्रग्स चुराओ। और मैं सोचता हूँ ड्रग्स अच्छा नहीं है लाइफ के लिए, तो मैं ड्रग्स को जलाने की कोशिश करता हूँ, बट वो ड्रग्स नहीं जलते, लेकिन उसकी दीवार के पीछे जो लोग खड़े थे वो गलती से जल जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी आप ड्रग्स बाय कर रहे होंगे तो कृपया फायर प्रूफ टेस्टिंग कर लेना। मैं ट्रक लेता हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ, एयरपोर्ट में जाता हूँ और मिशन हो गया पास, हमें मिल गए $16,000, बहुत अच्छा। मैं वहां से निकल रहा था तब मेरे को एक प्लेन टेक ऑफ करते हुए दिखती है और मैं वाइस सिटी सेकंड स्टैंडर्ड से खेल रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने नजारा कभी नहीं देखा। लाइक मैं एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम जाता था क्योंकि वो एयरपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा दिखता था मेरे को बचपन में, लेकिन फिर भी मैंने वो नजारा नहीं देखा और फिर मैं वो प्लेन को देखते रह जाता हूँ। वो प्लेन हमारे दुख की तरह है, वो बहुत टाइम तक एयरपोर्ट में रहती है, बट इवेंचुअली वो निकल भी जाती है और इवेंचुअली वो वापस आ जाती है, क्योंकि एक प्लेन वापस आ जाती है और लैंड करती है। मैं उसका एक अच्छा शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, बट ये बेस्ट पॉसिबल शॉट आपको मिलेगा हमारे चैनल पे प्लेन लैंडिंग का। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे मेरे सिनेमेटोग्राफी हाँ उसके बारे में, एंड बाय बहुत सारे लोग आई मीन माई सेल्फ, तो ये लीजिए सिनेमेटोग्राफी। हमारी सिनेमेटोग्राफी इतनी ज्यादा अच्छी है कि हम उसके प्लेन के अंदर जाके आपके सारी सीट, पायलट की सीट, AC केबिन सब दिखाते हैं। अब ये प्लेन रनवे से पीछे आती रहती है, तो मैं सोचता हूँ यार इस टर्मिनल, ये जो छोटा हैंगर है उसके अंदर जाएगी, तो मैं पीछे जा रहा होता हूँ, बट फिर मैं देखता हूँ प्लेन को राइट टर्न मारते हुए। आई मीन प्लेन राइट टर्न मारना बुरा नहीं है, बट जब इतना अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड रनवे हो तो आप घास के ऊपर से राइट टर्न मार रहे हो, वो बुरा है। मैं आगे देखता हूँ कि भाई राइट मारने जैसा है क्या, तो मैं देखते हैं दो प्लेन्स पैसेंजर्स अनलोड कर रहे, तो मैं वहां जाके खड़े हो जाता हूँ, ये सोच के कि तीसरा जो बीच का स्पॉट है वो ये प्लेन ले लेगी और पैसेंजर्स अनलोड कर लेगी, बट नहीं, वो प्लेन एक पूरा यू टर्न ले लेती है। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित, मैंने नया वर्ड सीखा है, आश्चर्यचकित होकर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ देखने के लिए भाई ऐसा है क्या, और तब मेरे को आवाज आती है प्लेन की उड़ने की, एंड यस यू आर राइट, प्लेन यू टर्न मार के निकल जाती है। ये प्लेन लाइफ की खुशियों की तरह है, वो आपकी लाइफ में आएगी और यू टर्न मार के चली जाएगी, एंड में आपके पास सिर्फ आपका हाथ, आपका छोटा भाई और आपका दुख इतना ही रहेगा, और उस आपका लैपटॉप बिकॉज पीहा मोबाइल पे चलता नहीं। मैं एयरपोर्ट से उड़ के यहाँ पे वो बंदे के घर पे आता हूँ, और यहाँ एयरपोर्ट से यहाँ आना मतलब अंधेरी से नाव सफर जाने जैसे, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत खराब है। उसका ट्रेलर अच्छा खासा है, उसके पास आर्मी के जो फोटोज है वो है जो बहुत ज्यादा कोल्ड दिखते फॉर सम रीजन, उसके पास कोई अच्छी खासी बोलते ना अंडर एज मूवी भी है बच्चों के लिए, उसका नाम चिक्स विद गन्स भी है, अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे पोस्टर है। जब मैं बाहर आता तो उसके पास एक अच्छा खासा फ्रिज भी है जो वर्किंग कंडीशन में लग रहा है, उसके घर पे एक वर्किंग बेसिन और वर्किंग स्टोव है जो मेरे घर के स्टोव और बेसिन से बहुत ज्यादा क्लीनर है, गन्स के फोटोज है और एक अच्छा लाल कलर का सोफा है। तो आई सी अगर कल को मुझे घर लेना है, ये बेटर घर है यार, महंगाई के जमाने में ऐसे घर ही आपको काम आएंगे। आप सोच रहे हो कि मैं किसके पास आया हूँ, तो मैं इस बंदे के पास आया हूँ। Yes, you are right, ये कैसेड भैया, अगर आपका पहला इम्प्रेशन है उनका तो आई एम डेफिनेटली श्योर ये बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, क्योंकि मेरे को अपनी जान बचा के अपनी पूछ अपने पिछवाड़े के पीछे से लेके भागनी पड़ी थी। वो कहता है कि आपको गन्स का जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग गन रनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको जाके उनके पीछे जाके उनको ठोकना है और गन के जो बोलते ना बॉक्स रहेगा उसको तोड़ना है और वो गन लेके आनी है। सिंपल मिशन राइट, वो तो गाड़ी भी दे रहा है हमको, कितनी बड़ी बात है। तो मैं जाके उनको तोड़ता हूँ, लोगों को मारता हूँ, दोनों को गन्स को एक एक करके उठाता हूँ और फिर मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, और जब वो गाड़ी उसके पास आती है मैं उसे फोड़ देता हूँ। कोल्डेस्ट मोमेंट्स एवर, मैं निकल रहा रहता हूँ और तब आके स्कूटी में कौन आता है यार, अगर तुम स्कूटी में आ रहे हो तुमको मेरे से इज्जत चाहिए ना, तो कम से कम एक्टिवा में बताओ, एंड जो कम से कम महिंद्रा की गश्तों में आओ। मैं अगले वाले जो क्रेट से उनको मार देता हूँ और फिर मेरे को कहते हैं यार स्कूटी वाले क्या उखाड़ लेंगे, तो मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और फिर मुझे पता चलता है इनके पास तो साला सब मशीन गन है, तो मैं वापस गाड़ी में चढ़ जाता हूँ क्योंकि मेरी फटकी चार हो जाती है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, मेरे को याद भी नहीं की मिशन। मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, फिर मेरे को याद आता है अरे यार देखो हमको गन लेना पड़ेगा, वो गन मैंने ली नहीं है, तो वापस जाता हूँ उस गन को लेने के लिए। मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ, फट से वो
गन लेता हूँ और वापस गाड़ी में चढ़ जाता हूँ अगले ट्रक की तरफ जाने के लिए, और तब मेरी गाड़ी में आग लग जाती है। मैं थोड़ा सा दूर भागता हूँ, बिकॉज आग लगना जिंदगी और गाड़ी में जब लगती है तो चीजों से दूर भागना बेटर होगा। मैं लोगों को मारने की कोशिश करता हूँ एंड यस यू आर राइट, वो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ गई एकदम स्लो स्पीड में। नाइस, नो इश्यूज यार, हम वापस उस मिशन को करने को तैयार है, हम खुशी खुशी वो मिशन वापस कर देंगे। तो मैं खुशी खुशी वापस उस एरिया में जाता हूँ, खुशी खुशी उसका ट्रक लेता हूँ, खुशी खुशी उनके पास जाता हूँ उनको उड़ाने के लिए। मैं उनको उड़ा भी देता हूँ, मैं वो गन निकाल भी लेता हूँ वहाँ से, बट फिर मेरे को कुछ याद आता है, मैं सब मशीन गन से शूट क्यों नहीं कर रहा। एंड यस यू आर राइट, सिंस मैं मर चुका था मेरी सारी वेपन्स गायब हो गई और अब मेरे पास कुछ नहीं है। वेल सिर्फ उम्मीद है और गाड़ी है, और वो गाड़ी में भी आग लग जाती है तो यार ग्रेनेड बाय द वे, तो हम उस ग्रेनेड का उपयोग करते हैं, गन को लेते हैं फटफट और मारने की कोशिश करते हैं। बट नहीं, इस बार भी मेरे ऊपर से गाड़ी चली गई। ये गाड़ी ना मेरी एक्स के सिग्नल्स की तरह है, साला सर के ऊपर से चलाता है अंशु। इस बार मैं दूसरे अस्पताल के स्पॉन होता तो मैं फट से जाके जो जो बंदूकों की हमको सख्त जरूरत पड़ेगी वो मैं ले लेता हूं, और जब मेरी शॉपिंग हो जाती है तो मैं एम्युनिशन वाले बंदे के ऊपर उसको टेस्ट भी करता हूं। एंड ये आई सी इनका जो रिव्यू सिस्टम वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उस बंदे पे ही टेस्ट कर सकते हो। मैं वापस चला जाता हूं, वापस गाड़ी में बैठता हूं। इस बार मेरे पास है डेडिकेशन, इस बार मेरे पास है पैशन, वो सेम पैशन जो सैटरडे रात को मेरे हाथ के पास होता है। इस बार मैं गाड़ी को भी उड़ा देता हूँ, क्योंकि एविडेंस उड़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। एविडेंस उड़ाने से बेटर है एविडेंस कभी देना ही नहीं। तो फिर अगली बार जब अपने फीमेल फ्रेंड या बंदी को टेक्स्ट कर रहे हो तो कृपया ऐसा कुछ भी ना कहे जो आपके खिलाफ उपयोग हो सकता है फ्यूचर में। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो मैं सबको मारने की कोशिश करता हूँ और सबको साइड बाय साइड मार रहा था, और तभी मेरी गाड़ी में आग लग जाती है। तो मैं इस पेड़ के पीछे जाके छुप जाता हूँ, और फिर भी मैं हार नहीं मानता, मैं पूरी तरह से सबको एक एक करके मारता हूँ और लास्ट में जाकर दोनों बंदूक लेता हूँ। एंड यार मिशन पास, उतना हार्ड मिशन नहीं था, तो मैं फटाफट जाकर उतना हार्ड लौड़े लग गए मेरे इस मिशन में पहुंचो। मैं वापस तो उसके पास, और इस बार मैं स्कूटी को उसके घर के अंदर लगाता हूँ ताकि मैं उसे बता सकूं कि हम दोनों में ज्यादा मर्दांगा कौन है। ये बंदा थोड़ा सा पागल है, ये दारू नहीं पीता, इसको ये जो पीता है उसे बूमशाइन कहते हैं, उससे आपको नशा चढ़ता है बेसिकली, तो नशे चढ़ने वाली कुछ चीज पीता है। इससे होता ये कि आप एक बॉम्ब के पास जा सकते हो, वो बॉम्ब फोड़ सकते हो, एक हाथ खो सकते हो, और आपको पता भी नहीं होगा आपकी लाइफ में क्या हुआ है ना। वो बूमशाइन जो है उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा घटिया है, तो वो हमारे भी बोलते हैं ना नाक में चली गई है, तो हमें भी नशा चढ़ गया है, तो इसलिए हमें बोलते हैं ना नशेड़ी हालत में गाड़ी चला के इसको अस्पताल लेना पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं कि मैं अस्पताल जा सकूं, तो वो अपने एक आर्मी के मेडिक जो दोस्त है उसके पास जाने की बात करता है। नाउ इन रियलिटी मुझे भी एक ऐसा दोस्त चाहिए जो हमारा मेडिक हो सके, इसलिए नहीं ताकि हमारे खर्चे बच जाए, बट इसलिए बिकॉज मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बेटर हो सके। मैं उस बंदे को छोड़ देता हूँ, और हालत देखो उसकी आर्म की बेंच क्या हालत है वो। और फाइनली जब मैं उसके वहाँ पे वापस आता हूँ तो हमारे पास अच्छी खासी बंदूकें वहाँ पड़ी होती है, और वो M60 जो होती है वो बड़ी वाली जो पर्पल बंदूक है वो वहाँ पे रखते हैं, जो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं वो लेता रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि यार फ्री में इतनी सारी बंदूकें, और फिर मेरे को रियलाइज होता है कि साला ऊपर पैसे का आइकन हिल क्यों रहा है। यप, यू वेस्टेड राइट, ये फ्री में नहीं है, ये 8,000 की है, और मैं अभी तक इसे खरीद लाता, मतलब मैंने $16,000 ऐसे उड़ा, 32 उड़ा दिया भाई, ये सारी चीजें पैसों की है, बट ये गन इतनी अच्छी है तो आई गेस वर्थ इट है। ना मैं इस गन को टेस्ट करता हूँ, फिर मेरे को रियलाइज होता है कि यार हमारे पास पैसे कम है, तो हम कैसे पैसे अपने बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास $30,000 तो उसमें से $20,000 आप एक बोलते ना आइसक्रीम कंपनी में इन्वेस्ट करें, एक बौखलाई चुड़ैल के पास जाए जिसको बच्चे पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि बच्चों बोलते ना चाइल्ड लेबर बेसिकली प्रमोट कर रही है। आई वुड नेवर प्रमोट चाइल्ड लेबर, मेरे लाइफ में कभी भी चाइल्ड लेबर कभी प्रमोट नहीं करूंगा, एक्सेप्ट उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं ना रेस्टोरेंट में आसपास भाग के आपका दिमाग खराब करते हैं, या फिर बीच पब्लिक पार्क में रोक के आपका दिन खराब करते हैं, बस और किसी के लिए नहीं। तो वेल हम इस कंपनी को खरीदते हैं और पता चलता है कि ये आइसक्रीम ही बेचती है। कैसे आइसक्रीम बेचते हैं, आपको जाना है, आपको हॉर्न बजाना है, और फिर लोग आपके पास आएंगे और आपके आइसक्रीम खरीदेंगे। एंड जी हाँ, अगर आपने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है तो आपने वाइस सिटी नहीं खेला है, क्योंकि आइसक्रीम वैन नहीं है, ये ड्रग वैन है। इसका एक ही इशू है, आप अरेस्ट हो सकते हो, तो जरा संभाल के रहने का। इस मिशन का पॉइंट आपको कम से कम 50 ड्रग डील करनी पड़ेंगे। एंड यू नो व्हाट, ये एक्चुअली अच्छा आइडिया, आइसक्रीम के नाम पे ड्रग्स बेचना, मतलब कितना सही दिमाग, मतलब कितना ज्यादा लगा होगा। मैं एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटजी निकालता हूँ कि अगर आपके पास वांटेड लेवल आता है तो उसको रिस्प्रे करना, उसी एरिया के आसपास घूमना, फिर वापस वांटेड लेवल आया तो उसको वापस रिस्प्रे करना, और ये मैं स्ट्रेटजी अपना रहता हूँ। तब मेरे को याद आता है कि मेरे को बाल में तेल लगाना है, तो मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ बाल में तेल लगाने, और मेरी बहन गेम का टेक ओवर करती है, मैं उसको समझा देता हूँ क्या क्या मैकेनिक्स है, पर उसकी ड्राइविंग स्किल आप देख सकते हो उतनी खास है, तो वो अरेस्ट हो जाती है। एंड यू नो व्हाट, नॉट बैड, 50 के ऊपर डील हो चुकी है, तो मेरे को टेंशन की कोई बात नहीं है। और फिर मैं स्पॉन होने का मुझे पता चलता है कि आपको 50 के ऊपर डील करने के बाद कभी पकड़ा नहीं जाना, आपको वैन से बाहर उतरना है। नाइस, नाउ वाइस सिटी में कौन सी जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं? एंड अगेन मैं स्ट्रिप क्लब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बीच की, क्योंकि लिजिट 1/4 मैप बीच है। तो उस बीच पे जाते हैं और लोगों को बेच रहे होते हैं, और तभी गलती से हमारे पास 3-स्टार वांटेड लेवल आ जाता है। गलती से मतलब क्या बहन, जो मैं ड्रग्स बेच रहा हूँ कैसे नहीं आएंगे, हम सेम स्ट्रेटेजी बार बार यूज कर रहे होते हैं यार, मतलब वांटेड लेवल लग रहा है, हम वापस अंदर जा रहे हैं, वापस रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वापस बाहर आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम की है। इस स्ट्रेटेजी में हमको सिर्फ एक ही फ्लॉ दिखता है कि कभी कभी पुलिस वाला साला पीछे जाता है तो पता ही नहीं चलता। अबे 40 डील, अबे
बस डील और करने देता है। मैं फिर से बीच जाता हूँ, फिर से पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ते हैं और मेरे को डीलिंग से प्रॉब्लम नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है पुलिस वालों से। मतलब आइसक्रीम बेचने से आपको क्या दिक्कत है? मैं समझता हूँ आपके बच्चे आइसक्रीम नहीं खाते और मैं समझता हूँ आपकी बीवी आपका क्रीम भी नहीं खाती, आइस तो दूर की बात है। एनीवे मैं बहुत सारे डील करता हूँ, मैं बीच पर डील करता हूँ, मैं बीच के एग्जिट पर डील करता हूँ, मैं वहाँ से लेकर रिस्प्रे सेंटर के वहाँ पे बीच रोड में हरी सिग्नल में खड़े रहकर डील करता हूँ और फिर मैं रिस्प्रे सेंटर के बाहर भी डील करता हूँ एंड फाइनली वी आर डन, 52 डील्स आर डन। अब अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो तो आप क्या करोगे? इतनी बड़ी सक्सेस के बाद आप क्लब में जाके नाचोगे, दारू पी के एकदम बोलते ना नशे बोलते ना बधिर हो जाओगे बेसिकली। बट नहीं, मैं एक इंट्रोवर्ट हूं तो मैं सबसे पहले ट्रैक सूट डालता हूँ बिकॉज हमारे लिए कम्फर्ट इज ग्रेटर देन योर मम। सेकंड, मैं अपना फेवरेट खाना मंगा लेता हूँ और फिर वहां से हम जाते हैं हमारे घर पे और हम जाके टीवी देखते देखते खाने को खाते हैं एंड इट वाज अ सक्सेसफुल डे इन द ऑफिस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। अगली वीडियो में हम हमारे जो करंट बैलेंस है उसको बढ़ाने के लिए नई बिजनेस लेंगे और उस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उससे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। आई होप जहां भी आप रहे सेफ रहे, सतर्क रहे, खुश रहे और हमारी वीडियो देखते रहे। पीस आउट।